एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये कहावत न केवल सामाजिक परिदृश्य में बल्कि राजनीतिक परिदृश्य में भी पूरे मायने रखती है, या वहाँ बट बिल्कुल सटीक बैठती है। राजनीति के अंदर आपको जो व्यक्ति सामने दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि पर्दे के पीछे भी वही सब कुछ हो। और खासकर जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव के माहौल के दौरान में तो गिले शिकवे, पुरानी शिकायतें, पुराने अदावतें, वो सब सामने आ जाती हैं। और चुनाव के दौर ये उक्ति जो मैंने आपको बताई है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये बड़ी सटीक बैठा करती है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हिसार लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है रंजीत सिंह चौटाला को। रंजीत सिंह चौटाला जो चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे हैं, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत के नाम पर ही उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इस सोच के साथ कि चौधरी देवीलाल की सोच के जो वोट हैं, चौधरी देवीलाल को आदर्श मानने वाला जो मतदाता है वो रंजीत सिंह चौटाला के पक्ष में आ जाए, इस सोच के साथ इनको टिकट दिया गया। और रंजीत सिंह चौटाला को जब से टिकट दिया गया है दोस्तों, आज का ही एक मैं वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जब से उनको टिकट दिया गया है तो रंजीत सिंह चौटाला के जो पीछे पड़े हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा लोग जो पड़े हुए हैं वो चौधरी देवीलाल की सोच वाले लोग ही हैं। चौधरी देवीलाल को अपना आदर्श मानने वाले जो लोगों में हैं, उनमें सबसे बड़ा तबका किसान का है, और किसान रंजीत सिंह चौटाला के पीछे लगता है हाथ पैर धो के पड़े हुए हैं। और हाथ पैर धो के भी ना कहूँ, अगर नहा धो के पड़े हुए हैं पूरी तरह से, वो एक और ज़्यादा सटीक बात बैठेगी। लेकिन जो मैं आपसे वीडियो में कह रहा था कि हाथी के दांत कुछ खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, ये बात रंजीत सिंह चौटाला या चौधरी देवीलाल के परिवार पर मैं नहीं कह रहा था आपसे। ये मैं आपको बता रहा था कि चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, जो हिसार से सांसद रहे भी, यानी कि चुनाव जीते भी और हारे भी, वो कुलदीप बिश्नोई, उनको बड़ी उम्मीद थी कि हिसार लोकसभा से उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दोनों बेटों का जो विवाह समारोह किया था, उस विवाह समारोह के अंदर जो दावत हुई थी, जो खान पान हुआ था, उसके अंदर उन्होंने पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता को आमंत्रित किया था। और दोस्तों, चाहे वो मांगलिक कार्यक्रम हो और या फिर घरों में, कभी ईश्वर ना करे किसी के घर में कोई शोक की घड़ी आए, लेकिन ये भी राजनीति और अपने रसूख के प्रदर्शन का बहुत बड़ा जरिया हुआ करता है। तो कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटों की जो शादी के अवसर पर जो कार्यक्रम किए थे, वो ये संदेश देने के लिए भी थे कि हिसार की जनता के वो बहुत नज़दीक हैं। और वैसे भी हिसार की जनता के साथ और कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल के परिवार का रिश्ता बहुत गहरा है। जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो अदावत के साथ बगावत पर उतरे। अदावत के साथ बगावत इसलिए कि पार्टी में तो हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में, चाहे वहाँ पर वो नायब सिंह सैनी गए मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल गए, कुलदीप बिश्नोई के फ़ोटो तो लगाए गए। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी कहा कि ऐसा फरीदाबाद में भी हो रहा है, वहाँ कुलदीप बिश्नोई की फ़ोटो तो लगे, खुद कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुँचे। अब उनके जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, जो विधायक हैं आदमपुर के, भव्य बिश्नोई जरूर लगे हुए हैं आजकल चुनाव प्रचार में। आज मैं उनका एक इश्तिहार देख रहा था जिसके अंदर उनके आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम 20 तारीख को भव्य बिश्नोई कहाँ कहाँ जाएंगे, उस पोस्टर पर जो फोटो लगे हुए हैं वो फ़ोटो में अटल जी का फ़ोटो भी है बड़े स्तर पर, उसके अंदर ताऊ देवीलाल का फ़ोटो भी है और उस फोटो के अंदर चौधरी भजनलाल का फ़ोटो भी है। और भव्य बिश्नोई चुनाव प्रचार के लिए, उसके अंदर उनका जो भाजपा की हिसार जिला इकाई की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसके अंदर उनका नाम है। अब मैं उस बात पर आपसे कह रहा हूँ कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। एक तरफ जहाँ कुलदीप बिश्नोई दूर दूर हैं, तो भव्य बिश्नोई जो उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, वो प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। अब इस बात के आप खुद मायने लगाइए कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ठीक है या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते। एक तरफ तो दिखाया जा रहा है कि अदावत वाली बगावत और फिर बड़े अदावत के साथ भव्य बिश्नोई उनके साथ घूमते। वैसे आपको बताऊँ मैं कि यही रंजीत सिंह चौटाला चौधरी भजनलाल के सामने चुनाव हार चुके हैं।
आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसके अंदर चौधरी भजनलाल चुनाव लड़े थे, उनके मुकाबले रंजीत सिंह चौटाला बतौर निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे और 20,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे इसी आदमपुर के अंदर। और इसी आदमपुर के अंदर जहाँ पर आज भव्य बिश्नोई घूम रहे हैं, उसी आदमपुर पे चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल को, ताऊ देवीलाल को भी 1972 के अंदर चुनाव में हराया था लगभग 10,000 से ज़्यादा वोटों से। तो ये इन दोनों परिवारों की अदावत है, जो मैं आपको शब्द बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये परिवार आमने सामने होते रहे हैं। लेकिन भव्य बिश्नोई जब 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो इन्हीं ताऊ देवीलाल की सारी जो परिवार की आप माने, केवल अभय सिंह चौटाला अलग थे, रंजीत सिंह चौटाला भी और दुष्यंत चौटाला भी वोट मांग रहे थे भव्य बिश्नोई के लिए। अब उस समय उनकी भी बात उन पर भी सटीक थी, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव मैंने कवर किया था। आदमपुर उपचुनाव में जब मैं गया था तो वहाँ लोग बताया करते थे कि रंजीत सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला मंच पर तो है, लेकिन वही वाली बात कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और क्या वो रंजीत सिंह चौटाला के साथ भी भव्य बिश्नोई का वही तो नहीं चल रहा? क्या रंजीत सिंह चौटाला के लिए भी भव्य बिश्नोई की वही वाली कहानी तो नहीं है? वैसे आपको बताऊं कि ताऊ देवीलाल का परिवार और चौधरी भजनलाल का परिवार, ये कई बार चुनावों में आमने सामने हुआ है, कई बार चुनाव में इनका भेड़ा हुआ है, आमने सामने हुए हैं। और उन चुनावों में ताऊ देवीलाल का परिवार भी जीत गया और कई बार चौधरी भजनलाल का परिवार भी जीत गया। हालांकि जो रेशियो गिना जाएगा वो ताऊ देवीलाल का परिवार हारा ज़्यादा, चौधरी भजनलाल का परिवार जीता ज़्यादा। लेकिन अब जो तैयारी है, रंजीत सिंह चौटाला को टिकट मिलने के बाद जो बात चली कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, और कहीं दिखे भी नहीं आज तक, लेकिन भव्य बिश्नोई चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या भव्य बिश्नोई का जो चुनाव प्रचार है, क्या वो हाथी के दांत वाली जो उक्ति मैंने आपसे कही थी उस पर सटीक बैठता है? आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई जो खार खाए बैठे हैं, वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए असेट्स बनेंगे? और आपको क्या लगता है कि हिसार का रण जैसा सामने आ रहा है, जिस प्रकार से रंजीत सिंह चौटाला का विरोध हो रहा है, वो क्या चुनाव तक ऐसे ही चलेगा या उसको रंजीत सिंह चौटाला कहीं बीच में मैनेज कर लेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।